फ्रेंड्स, आपने अक्सर ही सुना होगा कि कोई इंसान रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, यानी कि रात को सोते समय ही उसे साइलेंट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है? दरअसल दोस्तों, हमारी गलतियों की वजह से ही साइलेंट अटैक आता है। वैसे भी अगर आपकी सेहत खराब है तो उसके पीछे का कारण कोई और नहीं, आप ही हैं। आज की वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से आप ऐसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, साथ ही साथ आपकी बॉडी से कई बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी अगर आप उस चीज का सेवन करते हैं। दरअसल दोस्तों, रात को सोते समय जो भी चीज हम करते हैं उसका असर हमारी सेहत पर बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए आपने बचपन से ही सुना होगा कि बेटा, रात को सोते समय भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए, ना कि हॉरर मूवीज देखकर, क्योंकि जो लोग रात को हॉरर मूवीज देखकर सोते हैं उनको सपने भी बुरे ही आते हैं। जो लोग रात को भगवान का नाम लेकर सोते हैं उनको सपने अच्छे आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात को सोते समय जो भी आप सोचते हैं उसका असर आपके दिमाग पर होता है। ठीक उसी तरह से रात को सोते समय जो भी चीज आप खाकर सोते हैं उसका असर आपके पूरे शरीर पर होता है। इसीलिए आपको ये चीज समझनी है कि आपको रात को सोते समय क्या खाना है। कुछ लोग इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम लोग अक्सर ही नाइट पार्टीज करते हैं और ढेर सारी चीजें खा लेते हैं। इन चीजों को खा लेने से कभी कभार हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि रात को सोते समय आप कुछ ऐसा खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो, ना कि बुरा हो, क्योंकि अगर आप यह गलती करते हैं तो आपको कभी ना कभी साइलेंट अटैक आ सकता है। तो आइए जानते हैं वो चीज कौन सी है जिसका सेवन करने से आपको कभी भी साइलेंट अटैक नहीं आएगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी बीमारियों से दूर रहेगी। दोस्तों, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है लहसुन। लहसुन यानी कि गार्लिक, जिसका इस्तेमाल ढेरों घरों में होता है। दरअसल लहसुन को हम सिर्फ टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमेशा तड़का लगाकर ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि लहसुन एक ऐसी चीज है जिसे कभी गर्म नहीं करना चाहिए। लहसुन के साथ साथ आपको टमाटर हो, कोकोनट हो, इन चीजों को भी गर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग हमेशा टमाटर, प्याज, लहसुन इनका तड़का लगाकर ही इन्हें खाते हैं। यही कारण है कि आज तक आप प्याज लहसुन का फायदा ले ही नहीं पाए हैं। अगर आप प्याज का फायदा लेना चाहते हैं तो उसे कच्चा खाइए, उसे आप सैलेड के रूप में खाइए। इसी तरह से अगर आप लहसुन का फायदा लेना चाहते हैं तो लहसुन को आप कच्चा खाइए, उसकी कली को आपको रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी के साथ खाना है, या फिर आप लहसुन की एक कली को पीस कर उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन रात को सोने से पहले कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है लहसुन खाने का। अगर आप इस तरह से लहसुन खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए अमृत का काम करेगा, क्योंकि दोस्तों लहसुन में ये सारे गुण हैं जो हमारे खून को पतला करते हैं, हमारे लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ठीक करता है। लहसुन हमें दिल की बीमारियों से बचाकर रखता है। अगर किसी को भी हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो तो उसको रात को सोने से पहले लहसुन की एक कली जरूर खानी चाहिए, क्योंकि लहसुन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा और आपके खून को पतला करेगा ताकि आपको कभी भी साइलेंट अटैक ना आए। जब भी हम लहसुन को तड़का लगाते हैं या गर्म करते हैं तो लहसुन के सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी लहसुन को गर्म करके ना खाएं। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये कैंसर जैसी बीमारियों में भी हमारी मदद करता है। अब आप सोचेंगे कि लहसुन गर्मियों में कैसे खाएं? दरअसल दोस्तों, लहसुन को गर्मियों में खाया जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लहसुन गर्म होता है, इसीलिए गर्मियों में आपको सिर्फ लहसुन की एक कली खानी है, लेकिन सर्दियों में आप लहसुन की दो कली खा सकते हैं। कैसे खाना है ये हमने आपको बता दिया। रात को सोने से पहले एक लहसुन की कली को एक गिलास गुनगुने पानी के साथ, या फिर लहसुन की एक कली को पीस कर इसमें शहद का एक चम्मच मिलाकर रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले आपको लेना है। अब इससे जो जो फायदे आपको होंगे, चलिए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां उस इंसान को कभी नहीं होती जो लहसुन की कली का कच्चा सेवन करता है। अगर आप रात को सोने से पहले लहसुन की कली का सेवन हमारे बताए हुए तरीके से करते हैं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि लहसुन खून को पतला करता है। इसके अंदर डायलाइल सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से बचाकर रखता है। लहसुन हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। हम लोग छोटी सी प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, दरअसल हम लोग डॉक्टर को कहीं बाहर से ढूंढते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुदरत ने हम सभी के अंदर एक डॉक्टर बिठाया है, उस डॉक्टर को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी यानी कि आपकी वो क्षमता जो आपको बीमारियों से बचाती है। हमारी बॉडी में इतनी शक्ति है कि हमारी बॉडी कैंसर तक को अपने आप खत्म कर सकती है, लेकिन हम लोगों को अपने उस डॉक्टर को संभालने की जरूरत है। आजकल जो चीजें हम खाते हैं उससे हमारे अंदर के डॉक्टर को मजबूती नहीं बल्कि कमजोरी आती है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि अक्सर इंसान बीमार हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर की इम्यूनिटी को बचाकर रखते हैं, बढ़ाकर रखते हैं, तो आपको कभी कोई बीमारी
बीमारी नहीं होगी। आजकल का ये जो वायरस फैला है, आपने इसके बारे में भी देखा होगा कि ये उन लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। साथ ही साथ कई और भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। इसी कारण से दोस्तों आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, ताकि आजकल के वायरस से भी आप बच सको। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी तो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम या वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आप बच सकते हैं। इसके लिए आपको लहसुन की एक कली का सेवन हर रोज करना है, इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हर तरह के जोड़ों के दर्द से या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से बचना है तो लहसुन की एक कली रात को सोने से पहले जरूर खाएं। अक्सर ये होता है कि कुछ लोग रात को सो जाते हैं तो उनके बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होता रहता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत पेन होता है तो आपको लहसुन की कली रात को जरूर खानी चाहिए, क्योंकि ये लहसुन की कली आपके जोड़ों के दर्द को, घुटनों के दर्द को और भयंकर अर्थराइटिस से आपको आराम दिलाएगी। ऐसे लोग जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जो चल फिर नहीं पाते हैं, उनको लहसुन की कली का सेवन रात को सोने से पहले जरूर करना चाहिए। लहसुन की एक कली का सेवन करने से हमारे खून में से यूरिक एसिड का लेवल कम होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, लहसुन कफ दोष को दूर करता है। कफ दोष यानी कि सर्दी, खांसी, जुकाम। अगर आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं तो आपके लिए लहसुन बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या अस्थमा की प्रॉब्लम है तो लहसुन की कली का सेवन रात को सोने से पहले जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों लहसुन की एक कली का सेवन रात को करने से आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेद कहता है कि हमारा पेट सारी बीमारियों की जननी है। अगर आप अपने पेट का ध्यान नहीं रखते तो आपकी बॉडी में कई रोग आएंगे, इसीलिए आपको अपने डाइजेशन को मजबूत रखना चाहिए। आजकल की चीजें जो हम खाते हैं उससे हमारा डाइजेशन खराब होता है। डाइजेशन खराब होने से आपके शरीर में कई रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे कि चेहरे पर पिंपल्स निकलना, किडनी में स्टोन्स होना, बालों का झड़ना और भी कई बीमारियां। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका डाइजेशन मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने से हमारी बॉडी में तकरीबन 100 बीमारियां आती हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको लहसुन की एक कली का सेवन जरूर करना है, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। इसके अलावा लहसुन खाने से हमारी स्किन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली। अगर आपकी बॉडी पर आपको कहीं भी दाद, खाज, खुजली की प्रॉब्लम हो तो आप लहसुन की कली का पेस्ट बनाकर उसे अपनी स्किन पर लगा भी सकते हैं। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों लहसुन कैंसर की बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। लहसुन में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और कैंसर जैसी बीमारी से हमें बचाकर रखते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि कैंसर की बीमारी होती कैसे है? दरअसल दोस्तों हमारी बॉडी लिविंग सेल्स से बनी हुई है। अब कभी कभार क्या होता है, हमारे गलत खान पान की वजह से हमारे जो लिविंग सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। ये डेड सेल्स अपने जैसे और डेड सेल्स बनाने लगते हैं। ये कह लीजिए कि ये जो डेड सेल्स हैं, ये अपने आसपास के लिविंग सेल्स को भी डेड कर देते हैं। अगर हमारे किसी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में ढेर सारे जो लिविंग सेल्स हैं वो डेड हो जाएं, तो हमारे उस जगह पर हम कहते हैं कि ट्यूमर हो गया है, या कह देते हैं कैंसर हो गया है। अब कैंसर की बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप ऐसी चीजें खाएं जो लिविंग हो, ऐसी चीजें ना खाएं जो डेड हो। अब लिविंग और डेड को कैसे समझेंगे? आप मान लीजिए कोई भी चीज जो आपने आग पर पकाकर खाई है वो चीज डेड है। कोई ऐसी चीज जो सीधी प्रकृति से आई है और बिना पकाए उसे खाया, वो लिविंग है। आयुर्वेद कहता है पूरे दिन में 50% चीजें कच्ची खाओ, यानी कि 50% चीजें लिविंग खाओ। जितना आप लिविंग खाएंगे उतना आप कैंसर से बचे रहेंगे। इसीलिए प्लीज आज आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 50% चीजें कच्ची खानी है। आज की हमारी डाइट में कच्चा खाना है ही नहीं, इसी कारण से कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो आपके लिए लहसुन बहुत ही अच्छा है। रात को अगर आप लहसुन की एक कली खाते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होगा और आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों लहसुन का सेवन इनफर्टिलिटी को भी दूर करता है। अगर आपके अंदर स्पर्म काउंट की कमी है तो लहसुन का सेवन करें, ना कि आजकल की मेडिसिंस का, क्योंकि मेडिसिंस का सेवन करने से आपकी इनफर्टिलिटी तो दूर हो जाएगी, लेकिन कई और साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। इसीलिए इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए लहसुन से अच्छा और कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे लहसुन का सेवन करें ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके। वीडियो को शेयर करना फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप में या फेसबुक के पेज पर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।